जय यीशु के बच्चों आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम अध्याय 7 के उत्तर करेंगे। बच्चों उससे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और उनको धन्यवाद देंगे। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना को बोलेंगे। तो आप उससे पहले अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और ठोस नचे बनाइए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल किंतु बुराई से बचा, आमीन। साथ ही साथ हम 3 बार प्रणाम मरिया भी बोलेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बच्चों आप ये प्रार्थनाएं याद करेंगे, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना, हे हमारे पिता और प्रणाम मरिया, की दोनों प्रार्थनाएं याद करेंगे और रोज रात में बोलेंगे। तो बच्चों अब हम अध्याय 7 के उत्तर करेंगे। अध्याय 7 के उत्तर, पहला प्रश्न है आपका, आपके धर्म प्रशिक्षिका और प्रशिक्षक का नाम आपके लिए क्या काम करते हैं। आपके धर्म प्रशिक्षिका और प्रशिक्षक आपके लिए क्या काम करते हैं। तो आपके हमारे धर्म प्रशिक्षक और प्रशिक्षिका हमारे को ईश्वर के वरदानों के बारे में सिखाते हैं और हमें अच्छे मार्ग पे, सही मार्ग पे चलना सिखाते हैं। वे कौन लोग हैं जो आपके लिए आपके गांव या शहर में काम करते हैं। वह अनेक हमारे गांव और शहर में तरह तरह के लोग हैं जो हमारी सहायता करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है, किसान हमारे लिए अनाज उगाता है, हमें भोजन देता है। दर्जी हमारे लिए कपड़े सिलता है। सफाई कर्मचारी हमारे गांव, शहर और मोहल्ले को साफ रखता है। डॉक्टर हमारे इलाज करते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं। हमारे अध्यापक हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं और अनुशासन से जीवन जीना सिखाते हैं। पल्ली पुरोहित हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। तो बच्चों ये उत्तर आप अपनी कैटेगरी की कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद है आपकी खाली जगहों को भरिए, इनको आप अपने आप ही करेंगे। इसमें पहला है हमारे गांव या शहर का नाम टैग है। हमारे गांव या शहर का नाम आप जहां भी रहते हैं आपको वहां का नाम लिखना है। फिर मेरे दोस्तों के नाम आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। फिर तीसरा है मेरे पल्ली पुरोहित का नाम आपको अपने पल्ली पुरोहित का नाम लिखना है। फिर उसके बाद क्रियाकलाप है एक्टिविटी, इसमें आपको एक शीट में बीच में आप अपना नाम लिखेंगे और उसके चारों तरफ आपके जो भी मदद करते हैं, जो लोग आपकी सहायता करते हैं उनके चित्र चिपकाएंगे, जैसे किसान, दर्जी, डॉक्टर, अध्यापक, पल्ली पुरोहित, सफाई कर्मचारी, दुकानदार, अनेक प्रकार के लोग हैं जो हमारी सहायता करते हैं, आप उन सब लोगों के चित्र उसमें चिपकाएंगे, पर बीच में आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा भाग एक, अध्याय 7 के साथ हमारा भाग एक भी खत्म होता है और आज हम अपने भाग 2 में प्रवेश करते हैं। भाग 2 क्या था बच्चों, प्रभु येसु मामा बेतु परमेश्वर का
सर्वश्रेष्ठ वरदान। तो भाग दो के अध्याय आठ में, अध्याय आठ में प्रभु येसु मनुष्य जाति के लिए पर सबसे महान वरदान, प्रभु येसु मनुष्य जाति के लिए सबसे महान वरदान। तो आप ये बताइए, प्रभु येसु हमारे लिए सबसे महान वरदान कैसे है? प्रभु येसु हमारे लिए सबसे महान वरदान है क्योंकि प्रभु येसु ने इस दुनिया में जन्म लिया, ईश्वर ने उन्हें इस दुनिया में संसार में भेजा ताकि वो हमें हमारे मार्ग हमारा मार्गदर्शन करें और हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाए। तो बच्चों, प्रभु येसु कौन से दिन जन्मे थे? 25 दिसंबर, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? क्रिसमस के रूप में या बड़े दिन के रूप में? बच्चों, आप लोगों के घर में जब कोई बच्चा आता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, आप खुश होते हैं, आप उस बेबी के साथ खेलते हो, आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके पड़ोसी आते हैं, उनके लिए बेबी के लिए गिफ्ट देते हैं और आप भी उस बेबी को अपनी गोदी में उठा के खेलना चाहते हो, सब तरफ खुशी का माहौल होता है। तो उसी तरह से प्रभु येसु जब जन्मे थे तब भी बहुत खुशी का माहौल था और पूरा संसार खुश हुआ था और उनके जन्मदिवस को हम सभी एक साथ 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, 25 हम आज प्रभु येसु के जन्म के बारे में जानेंगे किस तरह से प्रभु येसु का जन्म हुआ। तो प्रभु येसु का जन्म जब हुआ उससे पहले स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के पास आए और मरियम कहाँ रहती थी? मरियम इज़राइल देश की नाजरत नगर में रहती थी। तो प्रभु येसु की माता का नाम क्या है? मरियम। और प्रभु येसु के पिता का नाम यूसुफ। तो स्वर्गदूत गैब्रियल माता मरियम के पास आए और उनसे बोले, प्रणाम मरिया, आप परमेश्वर की कृपा से परिपूर्ण हैं, आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी तथा एक पुत्र को जन्म देंगी। स्वर्गदूत गैब्रियल ने माता मरियम को क्या संदेश दिया? कि आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा है, आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष है, इसलिए आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी। फिर इसके कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद यूसुफ और मरियम बैतलहम गए, लेकिन उनको वहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, कोई सराया नहीं मिला, जैसे आजकल हम जाते हैं कहीं बाहर तो हम होटल्स में रहते हैं वहाँ, लेकिन उस समय बैतलहम में कोई जगह नहीं थी, कोई सराया नहीं था, कोई कुछ नहीं था जहाँ प्रभु यूसुफ और मरियम रह सके। पर बाद में उनको बहुत देर में उनको एक गौशाला में जगह मिली और इसी गौशाला में प्रभु येसु का जन्म हुआ। जब प्रभु येसु का जन्म हुआ तो परमेश्वर के दूत ने गडेरे कौन है? शेपर्ड्स, जो अपनी भेड़ों को चरवाते हैं, भेड़ों की देखभाल करते हैं। तो इस परमेश्वर के दूत ने उन गडेरियों को सुसमाचार दिया प्रभु येसु के जन्म का और उनसे बोला, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। क्या बोला वो दूत उन गडेरियों से? कि दाऊद के नगर में मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। उन्होंने प्रभु येसु के जन्म के बारे में इन गडेरियों को बताया और जब इन गडेरियों को प्रभु येसु के जन्म के बारे में पता लगा तो वो प्रभु येसु जाना थे उस वहाँ पर जाने लगे। और जब वो चल रहे थे तो उनको एक पूर्व दिशा से एक तारा दिखा। उस तारे ने, उस अनोखे तारे ने उन गडेरियों का मार्गदर्शन किया और उनको प्रभु येसु के पास पहुँचाया। वहाँ जाके उन गडेरियों ने प्रभु येसु की महिमा की, स्तुति की, उनकी आराधना की। फिर उसी तरह से प्रभु येसु के जन्म की खबर सुनते ही तीन मंजूषी आए। उन तीन मंजूषियों का भी मार्गदर्शन उस अनोखे तारे ने किया और वो मंजूषी
जब वहाँ पहुँचे उन्होंने प्रभु यीशु को दंडवत किया, उन्हें प्रणाम किया और उनको उपहार दिए। क्या क्या उपहार दिए? उन्होंने उन्हें लोभान, गंधरस और सोना दिया। ठीक है, सोना, लोभान और गंधरस इन तीन मंजूषियों ने प्रभु यीशु को उपहार रूप में दिया। तो बच्चों, ये था प्रभु यीशु के जन्म के बारे में, किस तरह से प्रभु यीशु ने जन्म लिया और कहाँ वो जन्मे। बच्चों, ये अध्याय यही रोकती हूँ और इस अध्याय को अब मैं आगे अगले सेशन में बढ़ाऊंगी। तब तक के लिए जय यीशु की।